स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरपाल यूपीपी मोटिवेशन में। आज मैं परसेंटेज के बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैंने एक दिन भी क्लास ली थी परसेंटेज की, कैसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करें और कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिशतता, और इसी का एक पार्ट है प्रतिशत, अलग बोल सकते हैं। ये क्या होगी प्रतिशतता, प्रतिशत परसेंट। प्रतिशत का मतलब इसमें नाम से पता चल रहा है हमारा, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब 100 में से प्रत्येक, मतलब पर, जैसे हम बोलते हैं ना पर यूनिट, पर 100, पर 100 मतलब 100 में से प्रत्येक। ठीक है, और इसका जो साइन होता है परसेंट का जो साइन होता है वो एस ये होता है, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, 100 में से प्रत्येक, 100 में से प्रत्येक। जैसे कि जैसे हमने लिया 7%, 7%, और इसका मतलब है कि 100 में से 7, और इसको लिखते कैसे हैं 7/100 मतलब 100 में से 7। जैसे कि आपके पास में क्या है 100 किताब हैं, 100 किताब में ए के पास में 7 किताब हैं, बी के पास में 20 किताब हैं, तो जो ए के पास में जो किताब हुई वो 7% हुई, जो बी के पास में 10 किताबें हैं वो कितनी हो गई 10% हो गई। अगर 20 किताब हैं तो 20% हो गया 100 का। ठीक है, ये क्या होगी परसेंटेज की छोटी सी डेफिनेशन हो गई, पर 100 मतलब 100 में से प्रत्येक। अब क्या है ना, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि 25% ऑफ 28, 28 का 25% क्या होगा, या फिर हिंदी में ऐसे बोलें 28 का 25%, इंग्लिश में बोलेंगे तो 25% ऑफ 28। 25% को मैंने बताया था, 25% का मतलब होता है 25/100, और इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो 1/4। 1/4 किसका, 28 का, तो हम इसे सीधा सीधा सा ऐसे लिखेंगे 28 का 1/4 कितना हो जाएगा 7। और अगर हम इसे ऐसे बोलें कि 28% ऑफ 25, 28% ऑफ 25, तो इसको कैसे लिखेंगे 28/100 आप ऐसे लिखेंगे इंटू 25, बात एक ही है, आंसर कितना आएगा 7। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब है या ए परसेंट ऑफ बी आए या फिर बी परसेंट ऑफ ए आए, इन दोनों का मतलब क्या होता है समान होता है। जैसे कोई क्वेश्चन है कि 93% ऑफ 33 1/3, या फिर क्वेश्चन ऐसे आए 33 1/3% ऑफ 93, इन दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। 93 हमने लिखा 93 इंटू 33 1/3% का मतलब क्या है 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 31। ठीक है, इसको करेंगे तो आप क्या करेंगे 100 का डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं करना, इन दोनों का मतलब क्या होता है सेम ही होता है। और मैंने उस दिन एक बात और बताई थी, क्या है जैसे कि कितना परसेंट आता है, व्हाट परसेंट आता है, हाउ मेनी परसेंट आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देखना। मैं इसमें नहीं बता रहा कि कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं, बस इतना बता रहा हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी परसेंटेज की, में आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि कितना परसेंट आए, हाउ मेनी परसेंट आए, व्हाट परसेंट आए, तो उन ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने परसेंट कमी हुई, कितना अधिक हुआ, कितना कम हुआ, उन क्वेश्चंस को मैं आगे बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन है कितना परसेंट आए, व्हाट परसेंट आए, हाउ मेनी परसेंट आए, तो उसके लिए हम किस किसके आधार पर निकालें, किसके बेस पर निकालें, उस वैल्यू को हम लिखेंगे नीचे, और जो वैल्यू दे रखी है जिसका पूंजा है उसको लिखेंगे हम उस वैल्यू को ऊपर। जो बेस होता है इससे हम कंपेयर कराते हैं, इससे हम क्या कराते हैं, इससे हम तुलना कराते हैं इस संख्या से जो नीचे लिखी है, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंट में निकल के आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा 20-40 का कितना परसेंट है, 20 का पूछा है, 20 का पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में, 40 क्या हो गया इसका बेस हो गया, 40 का ही तो पूछा है, 40 इसका बेस हो जाएगा, 40 से हम कंपेयर कर रहे हैं किसकी, 20 की, 20 हमारी वैल्यू है ऊपर हो जाएगा, और जो 40 है इसके रिस्पेक्ट में पूछा है ये हमारा आधार है।
तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, और परसेंट निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैंसिल कर लो भैया, 2 से ये कितना बार गया, 2 बार गया, 2 से ये 50 बार जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%। इसका मतलब 20 40 का कितना परसेंट है, और इसमें तो वैसे नाम से देखने से पता चल रहा है कि 40 का आधा है, तो ये 50% ही होगा। अगर सॉल्व करना है तो मैं तो ऐसे कर सकते हो, 20/40 × 100% = 50%। अब देखो 40-20 का कितना परसेंट है, अब क्या पूछा है, 40 पूछा है, 40 हमारी वैल्यू है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, 20 से कर रहे हैं, तो 20 को लिखेंगे हम नीचे, और क्या करेंगे परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब देखो 20 के 2 बार कैंसिल हो गया, अब कितना हो गया 200%। इसका मतलब 40 जो है 20 का 2 गुना हो गया, 100% का मतलब 1 गुना, 200% का मतलब 2 गुना, 300% का मतलब 3 गुना, 400% का मतलब 400 गुना, 4 गुना। तो 40 कितना, 40 20 का कितना है, 200% है। अब देखो 20 60 से कितना परसेंट अधिक है और कम है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे देखेंगे। अगर को इसमें क्या है, 20 से 60 में कितने परसेंट वृद्धि हुई, या फिर 60 से 20 में कितने परसेंट कमी हुई, या दोनों की बात सेम है, 20 60 से कितना परसेंट अधिक है, या 20 60 से कितना परसेंट वृद्धि हुई, ऐसे क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करते हैं तो उन दोनों संख्या जो दे रखी है उनका डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस में जिस पे रिस्पेक्ट में पूछा है, जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, उसको लिखते हैं नीचे, और 100 का करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो 20 60 से कितना परसेंट अधिक है, इसका मतलब 60 20 से कितना परसेंट, उल्टा हो गया, 60 20 से कितना परसेंट अधिक है, 60 अधिक है ना 20 से, तो कितना परसेंट अधिक है, देखो कितना ज़्यादा है ये, 40 ज़्यादा है, किससे, 20 से, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और किससे पूछा है, रिस्पेक्ट में किससे, 20 के, तो ये क्या हो जाएगा, 40/20 × 100%। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 200 × कितना हो जाएगा, 200%। तो क्या है, 60-20 से कितना परसेंट अधिक है, 60-20 से 200% अधिक है। अब देखो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ 20 60 से कितना परसेंट कम है, 20 जो है 60 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है भाई, 40 कम है, 20 से कितना कम है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 कम है, किससे पूछा है, 60 से पूछा है, तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 0 कैंसिल हो गया, 2/3, और 2/3 मैंने बताया था कि 2/3 को हम परसेंट में चेंज करते हैं तो 66 सही 2/3 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है, मैंने बताया था आपको 1/3 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हम परसेंट में लिखते हैं, 33 सही 1/3%। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2/3, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार क्या है 2/3 × 100% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 66 सही 2/3%। इस प्रकार क्या है हम कितना परसेंट या फिर कितना परसेंट अधिक है कितना परसेंट कम है ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनका यूज हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है, उनमें क्या है जैसे हम क्वेश्चंस लेते हैं उनमें क्या है इनका भी यूज होगा, अगर ये नहीं हुआ तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम रेशियो मेथड भी देखेंगे, आयु से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे, पॉपुलेशन से संबंधित भी देखेंगे, इलेक्शन से संबंधित भी देखेंगे, ठीक है, और मिसलेनियस सभी टाइप के मतलब मिक्स करके हम क्वेश्चन भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।